प्रश्न आए हैं मेरे साथ, व्हाट्सएप पे भी आया है कि ये ग्रुप डी की परीक्षाओं को पूरे देश में बहुत ज्यादा परीक्षार्थी इंतजार कर रहे हैं, तो क्या प्लान है आपकी रेलवेज का, क्या उनको इंतजार लंबा खींचना है उनका? नहीं नहीं, इसमें देखिए बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, थैंक यू आपने ये प्रश्न पूछा, और ये मैं बच्चों को सबको एकदम क्लियरली कह देना चाहता हूं, हाई कोर्ट में करीब करीब 5 लाख बच्चों के बिहाफ पे कुछ केसेस हुए थे। केस क्या थे कि एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर जो फोटोग्राफ है वो फोटोग्राफ अच्छे से विजिबल नहीं था, विजिबल नहीं था तो वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई। तो बच्चों ने कहा कि हमारा, हमको वापस परमिशन दी जाए कि हम अपना नया फोटोग्राफ लगा लें। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले कुछ ही दिनों पहले इसका ऑर्डर दिया है। जैसे ही वो ऑर्डर आया, रेलवे बोर्ड इज इम्प्लीमेंटिंग दैट ऑर्डर, और करीब 5 लाख बच्चों के फ्यूचर का उसमें प्रश्न है, इसलिए बहुत सेंसिटिविटी के साथ जाना चाहिए, संवेदनशील होकर उसको देखना चाहिए। तो वी हैव अलाउड ऑल दोज स्टूडेंट्स टू सबमिट अ फ्रेश फोटोग्राफ। नया फोटोग्राफ लगता है उसके तुरंत बाद में एग्जाम की डेट आएगी, एग्जाम भी 2 स्टेज का प्रोसेस है, तो उसका टाइम है। सो ऐसा नहीं है कि इसमें डिले करने का कोई इंटेंशन है। द रियल कॉज वॉज हाईकोर्ट के अंदर केसेस, वो सॉल्व हो के कुछ ही दिनों पहले सॉल्व हुए, तो अब एग्जाम का प्रोसेस भी आगे बढ़ेगा। अश्विनी सर, IT मंत्रालय का भी जिम्मा आपके पास है और कुछ